सो हेलो व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो हमारा इको ब्रिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो है इको ब्रिक्स। सो दोस्तों, सबसे पहले यार हम लोग ये जान लेते हैं कि इको ब्रिक्स क्या है। ओके, सो इको ब्रिक्स होती है एक्चुअली ये है कि सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। वो होती क्या है कि आपने एक प्लास्टिक का बोतल ले लिया और आप उसमें हर दिन प्लास्टिक उसके अंदर ठूस रहे हो, जब तो वो पूरा पैक नहीं हो जाए, तो पूरा फुल नहीं हो जाए, इतना ठूस रहे हो कि जब तो वो पूरा एकदम हार्ड नहीं हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इको ब्रिक्स। सो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यार हम लोग घर बैठे इको ब्रिक्स कैसे बना सकते हैं। सो हम लोग इस पॉइंट में आते हैं कि आखिर इस इको ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसने निकाला था या किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। सो ये क्रिएट किया गया था सुसाना हेसी के द्वारा, जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है। सो दोस्तों, हम लोग ने यार इको ब्रिक्स के बारे में इतना जान ही लिया, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं इको ब्रिक्स के बारे में, क्या हम लोग उसे एज ए बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है वो यस है। क्यों? क्योंकि हम लोग इको ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं फर्नीचर बनाने में, गार्डन के वॉल्स बनाने में, बाउंड्री वॉल्स बनाने में, और स्ट्रक्चर्स बनाने में भी ये काम आ सकती है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक टिका रहेगा और इससे जो कि इससे हमारी जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कितनी कम हो सकती है इको ब्रिक्स के द्वारा। सो दोस्तों, अब हम लोग इस इको ब्रिक्स के एक सबसे मेन पार्ट में आते हैं, क्योंकि ये पार्ट जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो पता कर लिया इको ब्रिक्स कैसे बना था, हम लोग कैसे इसे बना सकते हैं और भी आगे। सो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि यार इको ब्रिक्स जो है वो सेफ है। सो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर है वो भी यस है, क्योंकि इको ब्रिक्स एक तो यार जो कि हमारे सराउंडिंग्स जो है वो क्लीन रखता है, क्योंकि हम लोगों ने तो इसमें पहले ही प्लास्टिक भर भर के ब्रिक्स बना दिया है, और एक तो यार ये गार्डन सजाने में यूज आ जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कितने हद तक हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में लिटर होने से। और एक तो यार ये प्लास्टिक है, जैसे कि आपको पता है कि ये प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में ऑलमोस्ट 500 ईयर्स लगे जाते हैं, तो आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट यार 100 ईयर्स के बाद ही जो हमारे प्लास्टिक की इको ब्रिक्स है वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगी। सो दोस्तों, होप कि आपको यार ये इको ब्रिक्स वाला जो टॉपिक वाला जो वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। हालांकि यार इस टॉपिक में ये मेरा नया या पहला वीडियो था, आप लोग मान सकते हो, हालांकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में बने हैं उससे, लेकिन मेरे इस टॉपिक में मिले मेरा था ये थोड़ा पहला वीडियो था, और इस टॉपिक को मैं लेकर थोड़ा नर्वस भी था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको कोई भी सवाल या जवाब होगा इको ब्रिक्स से लेके, सो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। सो चलिए, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।